बनाया है एग, ऑरेंज, हाँ, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमी शो। तो आज है वेंसडे और आज बहुत दिनों बाद मैंने अर्थू के लिए बनाया है एग, और वो बहुत एक्साइटेड है एग देख के ना, क्योंकि मुझे लगता है एक महीना ही हो गया शायद हम लोग एग्स वगैरह कुछ नहीं खा रहे थे ना, तो आज मुझे लगा कि अब नवरात्र वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, आज वेंसडे भी था तो चलो मैंने कहा आज से ही स्टार्ट कर दिया जाए बच्चों के एग्स वगैरह। तो सुरेश इस वीक मॉर्निंग में जा रहे हैं, सुबह 8 बजे निकल गए थे। अथर भी स्कूल चला गया है। अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, मुझे लगा पहले इसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, आज थोड़ा लेट भी हो गया, अभी 9:30 हो रहा है मतलब। टेस्टी है। तो अर्थू को बहुत टाइम बाद मैं अथर्व के स्कूल ले जा रही थी उसको पिक करने के लिए, क्योंकि लास्ट वीक ना सुरेश का नाइट था तो मैं दिन में उसको नहीं ले जाती थी, वो घर पे ही रहता था, तो आज वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि मॉर्निंग में वो मेरे साथ था। तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं दोनों को ही स्नैक्स ही देती हूँ, तो अथर्व को तो जनरली मैं एग्स ही देती हूँ, और आते हुए ना मैं बनाना और एग्स भी लेकर आई थी क्योंकि बनाना भी नहीं थे और एग भी फिनिश हो गए थे इस वजह से। तो अर्थू को तो जैसे ही एग बनाना दिखता है तो इस टाइम पर वो बनाना ही खाता है, जनरली उसका जो 12 बजे वाला जो टाइम होता है ना वो बनाना का ही होता है, और उसके बाद फिर मैं उसको लंच देती हूँ, और साथ ही साथ मैंने अथर्व के लिए भी एग्स बना दिए थे। तो हम लोग आ गए थे स्कूल से और अथर्व को मैं अभी दे रही हूँ एग्स, और अर्थू ने तो अभी बनाना खाया है, फिर मैं उसके डायरेक्टली उसके लिए ना लंच बनाऊंगी, और फिर वो क्योंकि सो ही जाता है लंच करने के बाद ना। तो और बहुत दिनों बाद अर्थू गया था अथर्व भैया को लेने के लिए, तो इतना ज़्यादा तो खुश ना स्कूल पहुँचते साथ ही लास्ट वीक, क्योंकि सुरेश का नाइट था ना तो दिन में मैं उसको लेके नहीं जा रही थी, बट आज वो बहुत ज़्यादा खुश हो रखा है ना। तो ये टाइम दोनों बच्चों का इतना ज़्यादा मस्ती करने का होता है ना, कई बार तो मैं सोचती हूँ पता नहीं किसके चोट लगेगी, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बोलते ना कि मैं क्या ही बोलूँ इनके खेल, मतलब बॉयश गेम टाइप के होते हैं ना, ऐसा दंगा करते हैं ना कि मतलब सोचना भी मतलब वो है किस टाइम कौन गिर जाए, किसको कहाँ चोट लग जाए, मैं बस वही सोचती रहती हूँ। तो इस बीच मैंने बच्चों का जो खाना है वो बना दिया था, सिंपल मैंने दलिये की खिचड़ी बनाई थी, और आज ना दलिये की खिचड़ी में मैंने थोड़ी सी गोभी ऐड करी थी और थोड़ी सी लौकी मैंने ऐड थी, जो कि काफी अच्छी बनी थी, बट अर्थू का तो यहाँ पर जो मूड होता है ना बिल्कुल भी खाने का नहीं होता है, क्योंकि ये 2 बजे का टाइम जो होता है ये अर्थू का नैप टाइम हो जाता है, और इस टाइम पर उसको खाना खिलाना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो प्रॉपर तरीके से वो नहीं खाता है। 3-4 स्पून उसने खिचड़ी के खाए थे और थोड़ी सी उसने कर्ड खाई थी, और इतना ही खाकर ना वो यहीं पर सोफे में ना टीवी देखते देखते ही कई बार सो जाता है। 3 बज रहा है और बच्चों का लंच वगैरह हो गया है, अर्थू सो गया है, बट अथर्व की आज क्योंकि अबैकस की क्लास है तो इसको मैं नहीं सुलाऊंगी। तो आज रात को एक्चुअली चिकन बनाने का प्लान है, तो चिकन ना बस अभी आया है तो मैं सोच रही मैरिनेट करके रख देती हूँ, 1-2 घंटा मैरिनेट हो जाएगा ना, फिर मैं इवनिंग में जल्दी बना दूंगी। चलो फिर
तो आज चिकन आया था तो अथर्व तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बहुत टाइम से भाई चिकन घर में नहीं बनाया है, तो अथर्व तो लगा हुआ था आज मैं ही बनाऊंगा। तो चलो मैंने कहा ठीक है यार, मैरिनेट में कर रही थी, मैंने कहा चलो तुम ही मैरिनेट कर लो आज, थोड़ा बहुत मसाले वो मैं बता दी गई, वो यहाँ पर वो उसमें ऐड करता जा रहा है, और थोड़ा सा लेमन, हाफ लेमन ही मैंने यहाँ पर स्क्वीज किया था। फिर अच्छे से मिक्स करके ना 2-3 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी जिससे अच्छे से मैरिनेट हो जाए, फिर इवनिंग में बना लेती हूँ, और जल्दी मैं बना लूंगी क्योंकि बच्चे ना फिर इवनिंग में नीचे चले जाते हैं खेलने के लिए ना, तो थोड़ा सा फ्राई वगैरह करके मसाले वगैरह मैं करके ना थोड़ा जल्दी ही करके रख दूंगी। अथर्व को ड्रॉप करके और अर्थू ना सो रहा था तो मैं उसको घर ही छोड़ के गई थी, और मैं नेबर्स को बोल के गई थी कहीं वो एकदम से उठता तो नहीं वो बीच में, लेकिन बाय चांस अगर उठ जाए तो फिर कोई होना चाहिए ना, तो इस वजह से मैं नेबर्स को बोल के चली गई थी। और अभी ना 4:45 हो रहे हैं और मैं लेकर आ गई हूँ अपने लिए ग्रीन टी। तो यार एक्चुअली ना कल का दिन एक्चुअली इतना ज़्यादा, मतलब ना कभी कभी क्या होता है यार, दो बच्चों के साथ ना यार मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, और कभी कभी ना अथर्व कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देता है ना कि सही में इतना गिल्टी फील होने लग जाता है ना। एक्चुअली जब से अर्थ हुआ है ना तब से अथर्व का मेरे साथ मतलब फिजिकली जो बॉन्डिंग थी ना वो थोड़ी सी कम हो गई है, इनफैक्ट काफ़ी हो गई है, और वो सुरेश के साथ ना ज़्यादा कनेक्ट करता है। मुझे लगता है यही रीज़न होता है एक्चुअली, जब आपका सेकंड चाइल्ड हो जाता है तो फर्स्ट जो बच्चा होता है ना वो कहीं ना कहीं मदर से दूर होता जाता है और फादर की तरफ ज़्यादा मतलब क्लोज होने लग जाता है। इतना ना अथर्व पहले नहीं था एक्चुअली सुरेश के लिए ना कि मुझे पापा के साथ ही सोना है, मुझे पापा के साथ ही खेलना है, बहुत ज़्यादा वो करने लग गया है अब ना सुरेश के लिए। तो मुझे कई बार ना मतलब रोना भी आ जाता है इस बात पे ना कि मतलब मेरे साथ नहीं सो रहा है या फिर मेरे साथ बात नहीं कर रहा है या मेरे साथ नहीं खेल रहा है इस टाइप से ना। तो यार गलती उसकी भी नहीं है एक्चुअली, हम लोग मतलब मैंने बहुत जल्दी उसे अपने से थोड़ा सा अलग कर दिया क्योंकि अर्थ जब हुआ था तो उस टाइम पे वो अभी भी वही मेरे साथ सोता है, अर्थ ही मेरे साथ सोता है। अथर्व कई बार बोलता भी है ना मम्मी मैं आपके साथ आज मैं आपके साथ सोऊंगा, बट अर्थ उसको पास में आने ही नहीं देता है। अभी कितना ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ ना कि अर्थ को थोड़ा सा ये चीज़ समझाऊँ कि मतलब कुछ भी चीज़ शेयर करनी है, मतलब उसको नहीं समझ में आता है, बट मुझे नहीं पता यार, बट बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो गया है ना अर्थ, मतलब बहुत ही मम्मा मम्मा वाला, मतलब मुझे तो वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता किसी और के साथ, अथर्व के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा भी मैं अथर्व को प्यार करूंगी ना तो वो दूर से ऐसे भागे भागे आ जाता है ना मतलब मेरे पास लिटरली, कि अथर्व भी मतलब डरने लग जाता है उससे, ऐसा भी हो जाता है कई बार, मतलब अथर्व मेरे पास आने की कोशिश करता है और वो ना ऐसे देखता रहता है अर्थ को कि मतलब हाउ ही रिएक्ट्स ना, तो मतलब मुझे ऐसा होता है कि सही में, तो मतलब कल भी रात को एक्चुअली ऐसा ही हुआ, अथर्व मैं दोनों के साथ ही सोती हूँ, दोनों बच्चों के साथ ना, तो मैं कल अर्थ मेरे साथ था और मैं बीच में सो ना एक्चुअली, तो बच्चों को गिरने का मुझे ज़्यादा डर लगता है तो इस वजह से बच्चों को मुझे एक साइड ही सुलाना पड़ता है, तो अर्थ जनरली बीच में होता है। तो क्या होता है ना कल ऐसे हुआ, अथर मेरे साथ सो रहा था और सडनली वो बोलने लग गया रात को कि मुझे पापा के साथ सोना है, मुझे आपके साथ नहीं सोना, मुझे पापा के साथ सोना है। अब सुरेश एक्चुअली दूसरे रूम में कुछ काम कर रहे थे तो मैंने उसको कई बार समझाया कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, बट वो मतलब इतना ज़्यादा कभी कभी ना होता है ना बच्चे फिर रात को क्रैंकी भी हो जाते हैं नींद में, नहीं मुझे आपके साथ सोना ही नहीं है, मुझे बस पापा के साथ ही सोना है। भाव लगा रहने का यार मतलब ये कब हुआ ना, इतना बड़ा अथर्व हो गया है ना, मैं कई बार सोचती हूँ उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, और मैं करती भी हूँ ऐसा नहीं है, मैं मतलब मुझे पूरा वो रहता है अथर्व का ना, बट फिर भी मतलब ना कहीं यार वो चीज़ें आ ही जाती हैं थोड़ा ना, जब आपके दो बच्चे होते हैं और अथर्व भी एक्चुअली भी बहुत छोटा है, उसको ये चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अब पता है मैं क्या बोलूँ यार, ये सब चीज़ें ना मैं किसी को मतलब मैं शेयर भी नहीं कर सकती, ऐसी चीज़ें मतलब बहुत ही अजीब होता है कभी कभी ना, तो मुझे बहुत ख़राब लगा एक्चुअली कल ना, तो आज मैं ऐसे ही थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा बहुत मैं टाइम स्पेंड किया कि नहीं चलो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं किचन में, तो मतलब ठीक है उसका आज थोड़ा मूड ठीक है। बच्चे तो एक्चुअली बोल देते हैं, उनको इतना वो सोचते नहीं है उसके बाद ना, बट हमको ऐसे बोल दिया तो मैं तो इतने दिन तक बस वही बात भी सोचती रहूँगी कि हाँ इसने ऐसे कैसे बोला ना मुझको इस टाइप से ना। तो चलो ठीक है यार, वही है ना मॉम गिल्ट टाइप का, ये आता ही रहता है ना, आता ही रहता है, तो मैं टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा, लेट्स सी। तो चलिए यार मैं अभी अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर 6:00 पे मैं अथर्व को लेने जाऊंगी, तब तक तो अर्थू भी उठ ही जाएगा, तो उसको फिर मैं लेकर ही जाऊंगी अथर्व को। और अथर्व को मैंने अभी बनाना शेक और थोड़ा सा ना फ्राइंग बनाए थे मैंने, तो इस टाइप के जो फिंगर फ्राइंग आते हैं ना ये बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत टेस्टी लगते हैं इनफैक्ट। और मैंने ना चिकन भी रख दिया साथ साथ फ्राई करने के लिए, मुझे लगा था कि मैं नीचे लेके जाऊंगी बच्चों को, बढ़िया अंधेरा इतनी जल्दी हो गया ना, मतलब सर्दियों वाला जो अंधेरा होता है ना 6 बजे अंधेरा होना लग जाता है, तो
तो वो वाला अंधेरा हो गया, तो देखती हूँ अभी नीचे जाने का मुझे लग नहीं रहा है, शायद टाइमिंग होगा। तो जब तक मैं चिकन बना रही थी तब तक अथर्व तो अपना बनाना शेक वगैरह पीकर नीचे चला गया था खेलने। तो जब से हम यहाँ पर आए ना, अथर्व मतलब इजीली अकेले भी चला जाता है नीचे ना, क्योंकि और भी रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी रहते हैं, उनकी मदर्स भी रहती हैं, तो थोड़ा बहुत सब टेक केयर कर लेते हैं सबका ना, तो सही रहता है काफ़ी, मतलब मुझे सेफ भी लगता है, तो मैं अथर्व को भेज देती हूँ अकेले। बट अर्थू भी उसके बाद परेशान करने लग गया था, तो मैंने ना चिकन फ्राई किया, थोड़ा बहुत मसाला वगैरह मैंने कर दिया था, और उसके बाद ना मैं अर्थू को लेकर भी चली गई थी नीचे ना। एक अगर चक्कर मतलब नीचे चले जाओ ना बच्चों को लेके, तो थोड़े बच्चे पे थोड़ा सा ना काम हो जाते हैं, उनका भी इवनिंग का जो रूटीन है वो सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ मसाला वगैरह करके अच्छे से फ्राई करके और थोड़ा सा पकाकर और फिर गैस बंद करके ना मैं चली गई थी। फिर थोड़ा सा मैंने जाने से पहले पकाया था, और फिर नीचे से जब मैं आई थी ना बच्चों को घुमाकर, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पकाया था। तो इस तरीके से जनरली मैं खाना कर लेती हूँ। तो आज का डिनर बच्चों को काफी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद ना चिकन बना था, तो इस वजह से दोनों ही बहुत खुश होकर खा रहे थे सैलेड वगैरह के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगता है ना जब बच्चे मतलब खुशी खुशी खाते हैं फूड ना। तो चलिए यार, फिर इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।